दिस इज द मोमेंट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस फॉर मिस्टर नवीन मालिक। आज उनका बर्थडे है और आज अभी हम बुलेट लेने जा रहे हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम पे। तो सबसे पहले इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ रहे हैं बुलेट लेने के लिए फिर। और अभी हम यहाँ पर केक लेने के लिए आए हैं। भैया जरा केक दिखाना यार कोई सा प्लीज। तो ये अभी हमने नवीन मालिक के बर्थडे के लिए केक ले लिया और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम पे उनके लिए बुलेट लाने के लिए। उनके भैया उनको बुलेट, टाइटन की घड़ी और काफ़ी सारे गिफ्ट साथ देने वाले हैं। काफ़ी खुश हो रहे होंगे आज। कैसा फील कर रहे हैं आप आज? तो ये नवीन मालिक अभी रॉयल इनफील्ड के शोरूम पे आ गए। काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है गाड़ियों की और निहार रहे हैं। यहाँ पर डिस्प्ले में बहुत सारी गाड़ियाँ लगी है हिमालयन, उसके बाद ये बुलेट 350 cc, मेटियो 350 cc, ये हिमालयन 450, उसके बाद क्लासिक और कॉन्टीनेंटल GT 650 cc की गाड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई है। काफ़ी शानदार बाइक। और अभी हम थोड़ी देर बाद रॉयल इनफील्ड के शोरूम पर जाने वाले हैं। यहाँ पर हम नवीन भाई के लिए इलेक्ट्रा बुलेट लेने वाले हैं। ये क्लासिक 350 बहुत शानदार लग रही है। यहाँ पर ये हमारे नवीन भाई यहाँ पर शोरूम में अंदर प्रवेश करके ये पर गाड़ी अलग अलग गाड़ियों को देख रहे हैं। काफ़ी खुश हो रहे हैं। और ये रॉयल इनफील्ड की एसेसरीज यहाँ पर रखी हुई है। ये डेमो वाली नकली बुलेट भी रखी हुई है, इसको देखने में बहुत शानदार लगता है। ये देखो रॉयल इनफील्ड के शोरूम पर आ गए, आराम से बैठे हैं। राजू भैया चाय कॉफ़ी का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं अभी हमको मिलते हैं कि नहीं, उनकी पॉलिसी है कि नहीं चाय कॉफ़ी पिलाने की। और नवीन भैया भी जो शूट कर रहे हैं, पीछे एक्सेसरीज भी काफ़ी रखी हुई है यहाँ पर। अभी शायद इनकी जो बुलेट है इलेक्ट्रा वो नीचे रखी हुई है, या तो अवेलेबिलिटी है नहीं, इसलिए हमको थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमको हमारी गाड़ी देखने को मिलेगी और हम गाड़ी खरीदने वाले हैं थोड़ी देर बाद। केवल डिलीवरी लेनी है, डॉक्यूमेंटेशन तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो ये अभी मैं रॉयल इनफील्ड की जो एक्सेसरीज़ है वो यहाँ पर देखा हूँ। ये रॉयल इनफील्ड के जैकेट है, ये रॉयल इनफील्ड के टी शर्ट्स है, और ये यहाँ पर डेमो वाली खिलौना बुलेट्स, ये बहुत शानदार, इनको देखने में बहुत शानदार मज़ा आता है। ये देखिए, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो बड़ी बुलेट होती है उनका छोटा वाला वर्जन आप यहाँ इनको देख सकते हैं। ये हेलमेट्स रॉयल इनफील्ड के, ये हैंड ग्लव्स, ये फिर सारी टी शर्ट्स, ये थोड़े कार्गो वगैरह हो गए। और ये यहाँ पर क्लासिक 350 रखी हुई है, और इधर ये मेटियोर 350, तो रेड कलर की, और उधर आगे ब्लू कलर की भी बाइक्स रखी हुई है। काफ़ी शानदार। वही को चल लो। ये अभी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। रॉयल इनफील्ड का डब्बा रखा हुआ, इसमें 1, 2, 3 मास्क रखे हुए हैं, ये थर्माकोल की सीट, और ये हमारे नवीन भाई के दिल को बहलाने के लिए एक मग दिया है। अभी दियो नहीं, दिया नहीं है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं हमको देंगे, क्योंकि हम मांग कर रहे हैं बुलेट की, लेकिन वो बुलेट नहीं देंगे, महंगी पड़ती है ये मग, सस्ता ये वर्ल्ड कप 30 रुपये का राजीव भाई की भाषा में। देखो ये रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का जो नया वाला वर्जन है, ये उसमें 3 अलग अलग प्रकार की बटन दे दी गई है। ये देखिए, ये स्विच अलग, और ये थोड़ी सी डिजिटल और थोड़ी सी एनालॉग डिस्प्ले भी यहाँ पर दी गई है। तो अब रॉयल इनफील्ड ने जो क्लासिक वाला वर्जन बनाती है क्लासिक 350, उसमें थोड़े से चेंजेस किए। कोई विशेष चेंज हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिली, क्योंकि चलने का ढंग अभी भी इसका पुराना वैसे का वैसा है। और ये DS6 इंजन होने की वजह से अब ये वाला पैटर्न भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है यहाँ पर। तो ये नवीन भैया ने बहुत ही शानदार इलेक्ट्रा 350 यहाँ पर ले लिए बुलेट। ओम वक्रमुंडम महाकाय सूर्य कोटि समो प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू यर नवीन माल, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हमने रॉयल एनफील्ड के शोरूम से अब बुलेट ले ली इलेक्ट्रा 350। अभी हमारे बेसमेंट से हमारी गाड़ी यहाँ से नीचे आएगी और यहाँ से ये गाड़ी को बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम गाड़ी को लेके प्रोबेबली मंदिर जाने वाले हैं। तो ये लास्ट मोमेंट पे डिलीवरी लेते हुए ये मैम चाबी दे रहे हैं अलॉन्ग विथ द बाइक, और गाड़ी भी बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में। अब नवीन भैया और मैं गाड़ी को लेकर यहाँ से थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गाड़ी के लिए। ये हमने बुलेट ले ली है, काफ़ी खुशी, और मैं बनवारी हमोरिया बनी फैक्टर अभी इसे चला रहे हैं, काफ़ी खुश हूँ मैं भी। नवीन भाई अभी इसको नहीं चला रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला कि मालिक अभी शुरुआत तुमसे ही की जाएगी, क्योंकि ये तो उसमें बैठकर घर जाने ही वाले हैं। तो काफ़ी खुशी हो रही मुझे। अभी हम रॉयल इनफील्ड के शोरूम से निकलकर पेट्रोल डलवा कर अब हमारी गाड़ी लेकर रंजीत हनुमान जी के मंदिर आ गए। यहाँ पर हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे, उनको भी गाड़ी दिखाएंगे, नई गाड़ी लिए तो प्रभु से आशीर्वाद लेना तो बनता है, इसलिए अब हम हनुमान जी के मंदिर आ गए। और ये अभी हम फूल और नारियल लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं मंदिर, यहाँ पर आ गए दुकान पर। तो अभी दो दिन पहले हनुमान जी के मंदिर में आए थे, पहली बार में आया था, और अब दूसरी बार राधे राधे की कृपा से और ये हमारे नवीन भैया और दीपक भैया की कृपा से भगवान श्री रंजीत हनुमान जी के मंदिर में हम प्रवेश करने वाले हैं और नई गाड़ी लाए हैं, प्रभु के धाम दर्शन कर लेंगे और प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे, बस यही कामना। बोल हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय। तो प्रभु का आशीर्वाद ले लिया है, मन को काफ़ी प्रसन्नता और शांति मिली। अब हम यहाँ से वापस अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर। बोल हनुमान जी महाराज की जय।